इस खबर के प्रायोजक हैं ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज मऊरानीपुर, क्षेत्र का सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण द्विवेदी के नेतृत्व में जिलाधिकारी झांसी एवं उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर को 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। मऊरानीपुर में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया कि 1 मार्च को हुई बारिश के चलते तहसील के समस्त गांव में खड़ी हुई गेहूं, चना, जवा, मसूर, मटर, राई की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं और खेतों में सड़ रही हैं, जिसके चलते किसानों को फसल लाने की उम्मीद नहीं है, जिसके चलते अब किसानों को फसल में कोई उम्मीद बाकी नहीं है। इस संबंध में यूनियन के पदाधिकारियों ने उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर से फोन पर उसी दिन वार्ता की तो उप जिलाधिकारी ने बताया था कि वह क्षेत्र के भ्रमण पर ही निकले हैं और उनके द्वारा बताया गया कि तहसील के सभी गांवों में भारी नुकसान हुआ है, जो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। इसके लिए वह किसानों को क्षतिपूर्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही किसानों ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में भी बड़ी अनियमितताएं हैं, कई किसान सम्मान निधि से वंचित चल रहे हैं। ज्ञापन में प्रमुख रूप से यह भी बताया गया कि भारतीय किसान यूनियन भानू के द्वारा पूर्व में दिए गए शिकायती पत्रों का शासन द्वारा निस्तारण नहीं किया गया तथा समस्याएं जस की तस बनी हुई है। हमारे यहाँ 1 तारीख को रात्रि में बहुत पानी बरसा, उसकी वजह से पूरे क्षेत्र की पूरी तहसील की फसल नष्ट हो गई। हम लोगों ने दौड़ा भी किया तो उसमें जहाँ भी जिस खेत में जाते थे तो उसकी पूरी फसल बिछी हुई थी, पूरा कोई भी पेड़ खड़ा हुआ नहीं था, चाहे वो चना का हो, गेहूं का हो, मटर का हो और लाही का हो, सब बिल्कुल बिछ गई है और डली हुई है, सड़ रही है। उसमें कोई उम्मीद नहीं किसान को कि हमको कोई दाना मिलेगा। तो हम लोगों ने SDM साहब से भी वार्ता की तो SDM साहब ने भी दौड़ा किया। SDM साहब ने स्वीकार किया कि बहुत नुकसान है और मैं जितना होगा शासन से मुआवजा दिलाने की कोशिश करूँगा। और सर एक समस्या और थोड़ी है, हम लोग ज्ञापन देते रहते हैं लेकिन शायद ज्ञापन का निस्तारण सरकार के द्वारा बहुत कम होता है, प्रशासन के लोग उसको या तो सुनते नहीं हैं, सुनते हैं हमारे ज्ञापन को कहीं कूड़ादानी में डाल देते हैं या कुछ करते हैं। तो हमें हम चाहते हैं कि हमको रिस्पांस मिलना चाहिए, हमारे ज्ञापन का रिस्पांस मिले कि हमारे ज्ञापन में कुछ हुआ कि नहीं हुआ। कई गांवों की समस्याएं दी हैं लेकिन उनका कोई निराकरण भी नहीं हुआ और वो पूछते भी नहीं हैं कि आपके यहाँ गाँव में हुआ है कुछ के नहीं हुआ। जो भर्रा से रोड गया है कदौरा के लिए, कदौरा से आगे भी भानपुरा गया, उसमें गड्ढे ही गड्ढे हैं काफ़ी दिनों से, उसमें कोई मरम्मत नहीं हुई है। बीच में टुकड़ों टुकड़ों में मरम्मत हुई केवल, बकाया पूरे रोड की मरम्मत नहीं हुई है। कई गांवों की समस्या है। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।